हाय गाइस, वेलकम टू हैप्पी हाय टैरो। आज की पिक का रीडिंग में हम जानेंगे कि आप जिसके बारे में सोच रहे हैं वो इंसान इस वक्त आपके लिए कैसा फील कर रहा है, क्या है उनकी करंट फीलिंग्स आपको लेकर। ऑलराइट, अगर आप और भी पिक का रीडिंग्स देखना चाहते हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं और वहां पर आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं पर्सनल रीडिंग के लिए या फिर मेरी ईमेल आईडी पर। ऑलराइट, तो ग्रुप वन के लिए हमारे पास है ये रेड रोज, ग्रुप टू के लिए है पर्पल रोज और ग्रुप थ्री के लिए है ये पिंक रोज। आप तीनों के ऊपर मेडिटेट करिए, जो सा आपको सबसे ज्यादा अट्रैक्ट करता है अपनी तरफ वो वाला चूज करिए। टाइम स्टैम्प्स कमेंट सेक्शन और डिस्क्रिप्शन बॉक्स दोनों में ही दिए हुए हैं, सो मेक योर सिलेक्शन एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। हाय ग्रुप वन, तो अगर आप लोग ने रेड रोज चूज किया था तो चलिए देख लेते हैं कि आप जिसके बारे में सोच रहे हैं वो इंसान इस वक्त आपके लिए कैसा फील कर रहा है। एक्स्ट्रा पिक कार्ड रीडिंग्स के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं और पर्सनल रीडिंग के डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए हैं। सो स्पिरिट, हाउ इज ग्रुप वन्स पर्सन करंटली फीलिंग फॉर देम? मटेरियल एंड स्पिरिचुअल प्रॉस्पेरिटी। ओके, व्हाट एल्स स्पिरिट, हाउ इज ग्रुप वन्स पर्सन करंटली फीलिंग फॉर देम? How is group 1's person currently feeling for them? One card at a time, please. अगर आप लोगों को shuffling नहीं देखनी है तो आप आगे skip कर सकते हो. Spirit, how is group 1's person currently feeling for them? Disconnect and boredom. And one more card, please. Spirit, how is group 1's person currently feeling for them? Balance. All right. Bottom of the deck है material harvest. तो clearly आपका इंसान जिसके बारे में भी आप ये reading देख रहे हैं group one, वो इस वक्त अपने career के ऊपर ज्यादा focused है और particularly इस connection के ऊपर अभी उनका इतना focus नहीं है। इसका ये कहने का मतलब नहीं है कि वो आपके लिए कोई feelings नहीं रखते हैं। यहां पर मिस करने वाली एनर्जीज ज्यादा निकल करके आ रही हैं, बट हर समय नहीं, सिर्फ उस समय जब वो खाली होते हैं या उनके दिमाग में और कुछ नहीं चल रहा होता है। यहां पर ऐसा दिख रहा है कि अपने करियर में, अपने वर्क में ये इंसान यूजुअली बहुत डूबा रहता है, बहुत बिजी रहता है, बट जब कभी उनको उस चीज से वक्त मिलता है तब उनके जहन में आपका ख्याल आता है। और यहां पर क्लियरली फोर ऑफ कप्स की एनर्जी के साथ में बहुत मिस करता हुआ इंसान आपको नजर आ रहा है। ऐसा लग रहा है कि सब कुछ होते हुए भी इनको ऐसा लगता है कि वो एक इंसान मेरे पास नहीं है, जो कि अगर होता तो ये जो रोशनी है ये यहां तक आ जाती, अभी यहां पर आकर वो सीमित हो जा रही है। क्यों? क्योंकि आपकी कमी है इनकी लाइफ में। बट मुझे नहीं लगता है ये ओपनली ये चीज कबूलते हैं या एक्सप्रेस करते हैं। जो भी इनके साथ हो रहा है, ऑब्वियसली पर्सनल फ्रंट पर ये कोई इतने खास नहीं चल रहे हैं, इनके आसपास ऑप्शंस भी हो सकते हैं बट वो उनको एंटरटेन नहीं कर रहे हैं इस वक्त। ये इंसान इस कनेक्शन को ठीक करना चाहते हैं, वो उन्हें मालूम है कि उन्होंने पास्ट में यहां पर गलतियां की हैं, आप जैसा डिजर्व करते थे आपको वो ट्रीटमेंट नहीं दिया है। बावजूद इसके कि वो ये एनर्जीज ठीक करना चाहते हैं, वो यहां पर आपकी ओर फिलहाल एक्शन लेने का कोई इरादा बनाते हुए नहीं नजर आ रहे हैं। आपको मिस करते हुए दिख रहे हैं, अपनी गलतियों के ऊपर सोचते हुए दिख रहे हैं। ऑलराइट, आप टैरो कार्ड से भी पता कर लेते हैं। सो स्पिरिट, हाउ इज ग्रुप वन्स पर्सन? आई वाजंट रेडी। How is group 1's person currently feeling for them, spirit? Wow, ace of pentacles. What else, spirit? How is group 1's person currently feeling for them? Queen of wands. How is group 1's person currently feeling for them? The emperor. How is group 1's person currently feeling for them? Nine of swords. और बॉटम ऑफ द डेक है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। प्लीज क्लैरिफाई द नाइन ऑफ स्वॉर्ड्स स्पिरिट।
फोर ऑफ कप्स इन रिवर्स. इंटरेस्टिंग. ग्रुप वन, आपके पर्सन आपको एक स्टेबल ऑफर देना चाहते हैं, एक स्टेबल कमिटमेंट देना चाहते हैं. आप भी अपनी तरफ से उनकी ओर कोई एक्शन अभी इस वक्त नहीं ले रहे हैं, ये चीज उन्हें मालूम है. अपनी फुल पावर में इस वक्त वो आपको देख रहे हैं. उन्हें ऐसा लग रहा है कि आपको उनके होने या ना होने से अब फर्क पड़ना बंद हो चुका है. ये इंसान कोई ऐसा हो सकता है जो उम्र में आपसे थोड़ा बड़ा हो सकता है इनका खुद का कोई बिजनेस हो. स्ट्रांग एरीज एनर्जी यहाँ पर निकल करके आ रही है, बट जस्ट बिकॉज आपके पर्सनल एरीज नहीं, इसका ये मतलब नहीं कि रीडिंग आप पर अप्लाई नहीं होती. ऑलराइट, यहां पर ये बेसिकली दिख रहा है कि इंसान ने अपना मन तो बना लिया है आपकी ओर एक्शन लेने का, और ये बहुत ही प्योर इंटेंशंस वाली एनर्जी है. लाइक एम्परर एक ऐसी एनर्जी होती है जिसे हमेशा मालूम होता है उसे क्या चाहिए, और उसको आप चाहिए हो, उसको चाहिए है कि वो आपको एक बहुत ही लॉन्ग टर्म कमिटमेंट और ऑफर दे. लेकिन यहां पर ऐसा हो इसलिए नहीं रहा है क्योंकि उनकी टेंशन, उनकी एंजाइटी और उनका डर बीच में आ जा रहा है. एक्शन कार्ड जो यहां पर है हमारे पास, उसके ठीक बाद ये जो ब्लॉक आ रहा है ये है इनके डर का. और डर किस चीज को लेकर है? फोर ऑफ कप्स इन रिवर्स, कि आप उनका ऑफर रिजेक्ट कर देंगे. और क्योंकि उन्हें रिजेक्शन से डर लग रहा है और वो आपसे रिजेक्ट नहीं होना चाहते हैं, इसीलिए बावजूद इस इंटेंशन के वो आपकी ओर एक्शन अभी नहीं ले रहे हैं. ऑल राइट, अब और इन्फॉर्मेशन ले लेते हैं. स्पिरिट, हाउ इज टू मंथ्स पर्सन करंटली फीलिंग फॉर देम? हाउ इज टू मंथ्स पर्सन करंटली फीलिंग फॉर देम? ओके, तो हमारे पास है यहाँ पर स्टेबिलिटी. वो डेफिनेटली लॉन्ग टर्म यहाँ पर चाह रहे हैं. वो सैड बहुत है इस चीज को लेकर के, बट नेसेसरीली शो नहीं करते हैं. शायद अगर आप लोग सोशल मीडिया पर कनेक्टेड हैं तो उनके बिहेवियर के जरिए आप ये वाली एनर्जी आप उनके सोशल मीडिया पर कहीं पर भी नहीं देखेंगी या देखेंगे. ये अनलॉक करना चाहते हैं इस कनेक्शन का पोटेंशियल, बट वो अभी इनसे हो नहीं रहा है. वो आपके साथ सेटल डाउन होना चाहते हैं, आपसे शादी करना चाहते हैं. उनको लगता है, आई एम हियरिंग कि यू नो यू फील लाइक होम टू देम. जब आपके बारे में वो सोचते हैं तो उन्हें खुशी बहुत होती है. आप दोनों के बीच में जो कम्युनिकेशन नहीं हो रहा, जो गैप है, उसको वो क्लोज करना चाहते हैं, आपकी ओर आना चाहते हैं. 5 weeks to 5 months में डेफिनेटली कोई पॉजिटिव शिफ्ट यहां पर हो सकता है. शायद वो आपको कॉन्टैक्ट भी करें अपनी तरफ से. ओके, अब स्पिरिट की तरफ से आपके लिए क्या मैसेज है वो देख लेते हैं. ग्रुप वन, what message do you have for group 1? Emotions are running high. What else? What message do you have for group 1, spirit? One, please. What message do you have for group 1? One message for group 1, please, spirit. Don't let pride get in your way. थोड़ा ईगो इश्यूज भी शायद इस इंसान को है, वो भी एम्परर की एनर्जी से आ रहा है. हालांकि इतने ज्यादा मैं ऑनेस्टली नहीं पिक कर रही हूं उनकी एनर्जी के लिए, बट हाँ, आप में से कुछ लोग के लिए ऐसा हो सकता है कि ये इंसान अपनी ईगो की वजह से आपको अप्रोच नहीं कर रहा है. अपनी फीलिंग्स ऑनेस्टली किसी को बताने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मैं नो बर्दाश्त नहीं कर सकता या कर सकती है ना, तो वहां पर हमारा ईगो आड़े आने लगता है. तो वो एनर्जीज में कारंटली ये इंसान है, लेकिन फीलिंग्स बहुत स्ट्रांग यहाँ पर हैं. आप दोनों के ही एंड पर, आप दोनों एक दूसरे से इमोशनली और एनर्जेटिकली इस वक्त बहुत ज्यादा कनेक्टेड हैं. ऑलराइट ग्रुप वन, तो अभी मेरे पास आपके लिए इतनी मैसेजेस हैं. वीडियो अच्छा लगा तो जरूर लाइक का बटन दबाइए, मुझे नीचे कॉमेंट सेक्शन में बताइए, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा. आपसे अगली बार मिलती हूँ, बाय. हाई ग्रुप टू, तो अगर आप लोग ने पर्पल रोज चूज किया था तो चलिए देख लेते हैं आप जिसके बारे में सोच रहे हैं वो इंसान करंटली आपके लिए कैसा फील कर रहा है. ज्यादा पिक कार्ड रीडिंग्स के लिए और पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, वहां पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, या फिर मेरी ईमेल आईडी पर. ऑलराइट स्पिरिट, सो हाउ इज ग्रुप टूज पर्सन करंटली फीलिंग फॉर देम? शफलिंग नहीं देखनी है तो आप स्किप कर सकते हो आगे, नो प्रॉब्लम. Spirit, how is group 2's person currently feeling for them? How is group 2's person currently feeling for them? Authority.
What else, Spirit? How is Group 2's person currently feeling for them? Hope. How is Group 2's person currently feeling for them? And Material Harvest. Okay. Bottom of the deck here, third eye chakra. So, एक इंटुइटिव लेवल पर, एक साइकिक लेवल पर आप और आपके पर्सन बहुत ज्यादा कनेक्टेड है. ग्रुप टू आप उनकी एनर्जीज बहुत आराम से पिक कर लेते हैं, वो आपकी एनर्जीज बहुत आराम से पिक कर लेते हैं, भले ही आप दोनों में बातचीत ना हो रही हो. मैक्सिमम लोगों के लिए ग्रुप टू आप जिसके बारे में पूछ रहे हैं वो इंसान इस वक्त यहाँ पर सिंगल है और अपने करियर पर फोकस्ड है, वो एनर्जी यहाँ पर नजर आ रही है. शायद आप भी अभी सिंगल हैं ग्रुप टू. कहीं ना कहीं इस इंसान को, इस रिश्ते को लेकर बहुत ज्यादा उम्मीद है कि चीजें ठीक हो जाएंगी. आपसे पहले या आपके बाद उनकी लाइफ में जितने लोग आए हैं उनमें से सबसे अलग, सबसे यूनिक, सबसे खूबसूरत या हैंडसम, अट्रैक्टिव उन्हें अगर कोई लगा है तो वो आप हो ग्रुप टू. यहां पर अब दो एनर्जीज निकल करके आ रही हैं अथॉरिटी कार्ड के साथ. सो टेक व्हाट रेजोनेट्स, दिस इज अ जनरल रीडिंग. पहला ये है कि इनकी लाइफ में कोई है, ठीक है, जिसको आप पसंद नहीं है और इसीलिए ये इस इंसान को प्रिवेंट करता है आपकी ओर एक्शन लेने से. ठीक है, कोई डोमिनेटिंग फिगर इनकी लाइफ में वो हो सकता है, चाहे वो इनकी मदर हो, फादर हो, सिबलिंग हो, दोस्त हो, जो कुछ भी हो. और दूसरा मैसेज ये है कि हालांकि ये इंसान आपके लिए फीलिंग्स बहुत डीप रखता है, लेकिन पैसों की वजह से, करियर की वजह से या सोसाइटी में जिस तरीके से ये बड़े हुए हैं या जिस जैसे घर को बिलोंग करते हैं, किसी ना किसी रीजन की वजह से इनमें ईगो इश्यूज बहुत ज्यादा हैं. और उस वजह से भी ये बैठकर यूजुअली वेट करते रहते हैं कि आप इनकी ओर एक्शन लो, बजाय इसके कि वो खुलकर अपनी फीलिंग्स आपसे एक्सप्रेस करें और आपकी ओर एक्शन लें. ओके, अब देख लेते हैं टैरो कार्ड से क्या मैसेजेस हैं. Spirit, how is Group 2's person currently feeling for them? तो हमारे पास है the devil. ये इंसान Capricorn हो सकता है, Aries हो सकता है, but जरूरी नहीं है. Aquarius की energy भी यहाँ पर है, but अगर ये इनके signs नहीं है तो इतना tension लेने वाली बात नहीं है. What else, Spirit? How is Group 2's person currently feeling for them? One card at a time, please. How is Group 2's person currently feeling for them? Eight of Swords. How is Group 2's person currently feeling for them? Wow. The Hierophant. How is Group 2's person currently feeling for them? The Hanged Man. और बॉटम ऑफ द डेक है टू ऑफ पेंटिकल्स. स्पिरिट प्लीज क्लैरिफाई द एट ऑफ स्वॉर्ड्स. प्लीज क्लैरिफाई द एट ऑफ स्वॉर्ड्स. एज ऑफ स्वॉर्ड्स. स्टॉकिंग यहां पर चल रही है आप में से कई सारे लोगों के लिए सोशल मीडिया पर, अगर आप और ये कनेक्टेड हैं. अगर ये अपने अकाउंट से नहीं भी तो भी किसी कॉमन दोस्त के अकाउंट से या किसी भी एक अकाउंट से यहां पर नजर आ रहा है कि आपको स्टॉक बहुत कर रहे हैं आजकल. दूर से बहुत ऑब्जर्व कर रहे हैं, एक्शन नहीं ले रहे हैं, बहुत ही स्टक एनर्जी है इस इंसान की तरफ से. एंड अगेन आई एम गेटिंग द मैसेज जो मैंने ऊपर आप लोगों को अभी बताया था. सोसाइटी में कुछ ऐसा है, जिस सोसाइटी से बिलोंग करते हैं, जिस समाज से आते हैं, शायद बहुत ही रूढ़िवादी सोच हो उन लोगों की या उनको आप ना पसंद हो, वो एक बहुत प्रोमिनेंट रीजन यहां पर निकल करके आ रहा है जिस वजह से ये इंसान अभी आपकी ओर एक्शन नहीं ले पा रहा है चाहते हुए भी. और इससे इनको खुद भी बहुत इंटरनल असमंजस हो रही है, बहुत कंफ्यूजन हो रहा है, समझ में नहीं आ रहा है क्या करे क्या नहीं करे, गिव अप करते हैं आपके ऊपर या कोशिश करते रहे. हालांकि ज्यादा एनर्जीज कोशिश की ही तरफ है होप कार्ड के साथ में. सेक्सुअली भी ये इंसान अभी बहुत ज्यादा अट्रैक्टेड आपकी तरफ फील कर रहा है, बहुत ही अनब्रेकेबल बॉन्ड है आप दोनों का द डेविल कार्ड के साथ में, इतने इजिली टूटने वाला नहीं है. इसीलिए भले आप दोनों के बीच में बहुत टाइम से बातचीत ना हो रही हो या उनकी तरफ पर इतनी यू नो इंटरफेरेंस नजर आ रही है दूसरे लोगों की जो उनको आप तक आने नहीं दे रहे हैं, बावजूद उसके ये कनेक्शन अगर आज की डेट तक एग्जिस्ट कर रहा है तो इसलिए क्योंकि आप दोनों के बीच का जो बॉन्ड है वो बहुत स्ट्रांग है और ये बात इस इंसान को भी मालूम है. यहां पर इनको जरूरत है, ये जो कोई भी लोग हैं इनके खिलाफ आवाज उठाने की, अगर ये सच में ये चीज आपके साथ में चाहते हैं और आपकी ओर एक्शन लेने की, वो ही यहां पर अभी सबसे बड़ा ब्लॉकेज नजर आ रहा है.
All right, spirit, how is group 2 person currently feeling for them? Okay, तो अभी उनको कोई रास्ता नहीं निकल करके समझ में आ रहा है आपकी ओर आने का. डेफिनेटली उनकी जो फैमिली ट्री है उसमें यहाँ पर क्लैशेस और इंटरफेरेंस नजर आ रहे हैं. इट्स लाइक उन्होंने उनको ब्लॉक करके रखा हुआ है आप तक अप्रोच करने में. एक टावो मोमेंट इस इंसान की लाइफ में बहुत जल्दी आता हुआ नजर आ रहा है, जिससे शायद इनको थोड़ी क्लैरिटी मिले कि ये क्या कर सकते हैं क्या नहीं. इमोशंस बहुत ज्यादा फील कर रहे हैं आपके लिए बट शो नहीं कर रहे हैं. हो सकता है आपसे डिस्टेंस पर रहते हो, आपकी ओर ट्रैवल करके आना चाह रहे हैं. बहुत उनको ऐसा लग रहा है कि ये जो कोई भी लोग हैं जो इंटरफेयर कर रहे हैं, तो आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है कि उन्होंने पपेट के जैसे ट्रीट कर रहे हैं. ये लोग आपके पर्सन को पपेट के जैसे ट्रीट कर रहे हैं, ऐसा उन्हें लग रहा है अभी. इस वजह से वो आपकी ओर अभी एक्शन लेने में असमर्थ हैं. उनको जरूरत है अपनी आंखें खोलने की. यहां पर नजर आ रहा है कि सोल्यूशन इतना मुश्किल नहीं है जितना इस इंसान को लग रहा है, और बहुत स्ट्रांग चांसेस है कि ये ताले की जो चाबी है वो उनके आसपास ही कहीं है. ये जो प्रॉब्लम है इसका सोल्यूशन आसपास ही है, बट आपके पर्सन को आंखें खोलकर देखने की जरूरत है कि किस तरीके से और क्या करके वो आपकी ओर आ सकते हैं और इन एनर्जी से, इनके चंगुल से खुद को छुटा सकते हैं. ओके, अब देख लेते हैं कि स्पिरिट की तरफ से आपके लिए क्या मैसेजेस हैं. स्पिरिट, व्हाट मैसेज डू यू हैव फॉर ग्रुप 2? वाओ, एक्सपेक्ट पावरफुल चेंज. तो ये टाव मोमेंट पॉजिटिव हो सकता है. फॉर एल स्पिरिट, व्हाट मैसेज डू यू हैव फॉर ग्रुप 2? One more message for group 2, please, spirit. Message for group 2, spirit. लक इज ऑन योर साइड, सो दिस इज ब्यूटिफुल ग्रुप 2. चीजें आपके हित में बहुत जल्दी यहाँ पर बदलती हुई नजर आ रही है. सो दैट्स रियली गुड. अभी मेरे पास आपके लिए थी मैसेजेस हैं. ये वीडियो अच्छा लगा तो जरूर लाइक का बटन दबाइए, मुझे नीचे कॉमेंट सेक्शन में बताइए, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा. आपसे अगली बार मिलती हूँ, बाय. हाय ग्रुप 3, तो अगर आप लोग ने पिंक रोज चूज किया था तो चलिए देख लेते हैं कि आप जिसके बारे में सोच रहे हैं उनकी करंट फीलिंग्स आपको लेकर के क्या हैं. एक्स्ट्रा पिगल का रीडिंग्स के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, और पर्सनल रीडिंग के लिए भी वहां कॉन्टैक्ट कर सकते हैं या ईमेल आईडी पर. सारी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है. अगर आपको शफलिंग नहीं देखनी है तो आप आगे स्किप कर सकते हो. स्पिरिट, हाउ इज ग्रुप 3 पर्सन करंटली फीलिंग फॉर देम? One card at a time, please. How is group 3's person currently feeling for them, spirit? Transformation. What else, spirit? How is group 3's person currently feeling for them? How is group 3's person currently feeling for them? Stand your ground. How is group 3's person currently feeling for them? Ooh, heartache and loss. Bottom of the deck hai, the waiting game. मुझे नहीं लगता ये अभी आपकी ओर कोई एक्शन ले रहे हैं, और ना ही आप अभी इनकी ओर कोई एक्शन ले रहे हो. ग्रुप 3, ये इंसान दूर से नोटिस कर रहे हैं कि आपके अंदर कितने चेंजेस आए हैं, कितने खूबसूरत चेंजेस आए हैं. शायद जब आप इनके साथ थे ग्रुप 3, भले ही आप लोग प्रॉपर रिलेशनशिप में थे या नहीं, हो सकता है उस वक्त आप बहुत ज्यादा सहमे रहते थे या खुलकर अपनी यू नो थॉट्स को एक्सप्रेस नहीं करते थे, या दूसरे लोग आपको अपने बहुत मैनिपुलेट कर ले जाते थे. बट धीरे धीरे ये पर्सन, हालांकि डिस्टेंस से ही, बट देख रहा है कि आप में कितने पॉजिटिव चेंजेस आए हैं. आप फुली अपनी पावर में आ गए, आप किस तरीके से आप निखर करके आपकी पर्सनालिटी सबके सामने आ रही है. लुक्स भी आपके इम्प्रूव हुए हैं, जो भी आपने अपना मेकओवर किया हो, स्किन केयर के ऊपर आप ध्यान देने लगे हो जो भी, या आपने कुछ अपना लुक चेंज किया हो, वो सारी चीजें भी वो नोटिस कर रहे हैं. बट लुक्स असाइड, आपकी क्वालिटीज में क्या इंप्रूवमेंट आए हैं, आप कितना ओपन अप हो गए हैं, वो चीजें ये इंसान नोटिस कर रहे हैं. यहां पर एक एनर्जी नजर आ रही है कि बहुत ज्यादा डिफेंसिव है ये इंसान अभी इस कनेक्शन को लेकर के.
बहुत हार्ट एक फील कर रहे हैं, बहुत लॉस महसूस कर रहे हैं, आपकी कमी उन्हें बहुत ज्यादा खल रही है, बहुत दुख होता है उन्हें आपके बारे में सोच करके, आप लोगों के ब्रेकअप के या सेपरेशन के बारे में सोच करके, अगर आप उनसे बात नहीं कर रहे हो उसके बारे में सोच कर के भी उनको बहुत दुख होता है। जैसे जैसे आपके अंदर ये पॉजिटिव इम्प्रूवमेंट्स आ रहे हैं, वैसे वैसे आप दूसरे लोगों से अटेंशन अट्रैक्ट कर रहे हो, और ये चीज जब इन्हें मालूम पड़ती है या देखते हैं तभी भी इनको बहुत इरिटेशन होने लगता है, मन करता है इनका कि उन सारे लोगों को ये दूर कर दें आपसे। बट इस कनेक्शन में पॉजिटिव चेंज लाने के लिए अभी ये इंसान तैयार यहां पर नहीं नजर आ रहा है स्टैंड योर ग्राउंड के लेकर के। ऐसा भी हो सकता है कि आप अपनी तरफ से कभी कोशिश करते हो तो ये आपके एफर्ट्स भी ब्लॉक कर देते हो, यू नो, या तो खुल के बहुत ज्यादा बातचीत में एंगेज ना करते हो या बहुत ओपन होकर के अपनी फीलिंग्स ना एक्सप्रेस करते हो। ये खुद ही अपने रास्ते में अभी कांटा बने हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं, और उसका रीजन ये है कि जो भी हार्ट एक आप लोगों का हुआ था उससे ये इंसान अभी तक रिकवर नहीं कर पाया। शायद आप हील कर चुके हैं उस हार्ट ब्रेक से, बट ये इंसान की अभी हीलिंग काफी बची हुई है। ओके, आप टैरो कार्ड से भी जान लेते हैं। Spirit, how is Group 3's person currently feeling for them? The High Priestess. How is Group 3's person currently feeling for them, Spirit? Five of Wands. How is Group 3's person currently feeling for them? Two of Swords. How is Group 3's person currently feeling for them? The World. Bottom of the deck here, Six of Wands. Please clarify, Five of Wands, Spirit. The Fool. Please clarify, Two of Swords. With one card, please. Please clarify, the Two of Swords. Wow. फिर से Three of Swords. Okay. हो सकता है ये इंसान आपसे दूरी पर रहता हो ग्रुप थ्री फिलहाल। ये आपको फुली आपकी पावर में देख रहे हैं हाई प्रीस्टेस के रूप में, कि कैसे बिना कुछ किए अब आप एक ऐसे मुकाम पर पहुंच गए हैं एनर्जेटिकली कि लोग आपकी ओर अट्रैक्ट होकर के आ रहे हैं। बहुत ज्यादा कंफ्यूजन में ये नजर आ रहे हैं इस चीज को लेकर के कि इन्हें इस रिश्ते की एक नई शुरुआत चाहिए कि नहीं चाहिए। बहुत कॉन्फ्लिक्टेड एनर्जीज यहां पर है, और उसका रीजन है आप लोगों का ब्रेकअप या सेपरेशन, या आपने अगर अपनी एनर्जीज इनसे विड्रॉ कर ली हैं तो उस चीज का जो इन्हें ठेस पहुंची है, वो जो भी इनका हार्ट ब्रेक है, उस रीजन से इस इंसान के दिमाग में ये डाउट आ रहा है और अपने दिल और दिमाग में इनकी ये स्ट्रगल चल रही है कि इस रिश्ते की नई शुरुआत हो भी पाएगी या नहीं, या फिर अपनी ओर से इनको इस चीज की तरफ कोई कदम बढ़ाना चाहिए या नहीं। ये चाह रहे हैं कि जल्द से जल्द आप लोगों के बीच का जो सेपरेशन है वो खत्म हो, ये इस कनेक्शन में विक्ट्री चाहते हैं। बट जब तक ये अपना ये वाली फीलिंग से रिकवर नहीं करेंगे, जब तक ये फुली अपना माइंड मेकअप नहीं कर लेंगे कि इनको एक्चुअली चाहिए क्या है, तब तक इनके इस कंफ्यूजन की वजह से ऑफ कोर्स ये कनेक्शन आगे नहीं बढ़ पाएगा। ओके, लेट्स सी व्हाट एल्स। स्पिरिट, हाउ इज ग्रुप 3's पर्सन करंटली फीलिंग फॉर देम? सपने आपको हो सकता है इस इंसान के इस वक्त बहुत ज्यादा आ रहे हों, और उन्हें आपके आपको ड्रीम्स में इस कनेक्शन से रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है मैसेजेस मिल रहे हों। आपकी ओर से ये इंसान कम्युनिकेशन एक्सपेक्ट कर रहा है, स्टॉकिंग भी यहां पर हो रही है। अगेन वर्ल्ड कार्ड की एनर्जी यहां पर आई है, तो डेफिनेटली आप दोनों के बीच में डिस्टेंस है। अभी इंसान आपकी ओर कोई एक्शन लेने के लिए रेडी नहीं है, बस अपनी नजर आपके ऊपर बना करके रखे हुए हैं। इंटुएटिवली इस इंसान को कहीं ना कहीं पता है कि क्या सही रहेगा करने के लिए इस कनेक्शन में, एंड दैट इज एक ब्रांड न्यू स्टार्ट, या आपकी ओर कोई पीस ऑफरिंग लेकर के आना। बट कैसे वहां तक पहुंचे उसके लिए अभी थोड़ी इनकी और ग्रोथ होना बाकी है, थोड़ी और जानकारी और समझ इस इंसान के पास होना बाकी है अगर इस कनेक्शन को आगे बढ़ना है तो। जिसको नहीं कहते कि द बॉल लाइज इन देयर कोर्ट, अभी ये कनेक्शन आगे तभी बढ़ पाएगा अगर आपके पर्सन उस चीज की ओर काम करे, तो उसके बिना अकेले आपके एफर्ट से यहां पर चीजें ठीक होती हुई नहीं नजर आ रही हैं। ऑलराइट, अब देख लेते हैं कि स्पिरिट की तरफ से आपके लिए क्या मैसेज है ग्रुप थ्री। व्हाट मैसेज डू यू हैव फॉर ग्रुप थ्री स्पिरिट? मेडिटेट एंड कॉन्टेम्पलेट वन मोर प्लीज स्पिरिट। व्हाट मैसेज डू यू हैव फॉर ग्रुप थ्री?
सरेंडर टू द डिवाइन. वाओ. तो ग्रुप थ्री, आपको अपनी तरफ से इस इंसान की ओर अभी एक्शन लेने की बिल्कुल कोई जरूरत नहीं है. आप इस कनेक्शन को स्पिरिट के भरोसे छोड़ दीजिए. आप अपनी मेंटल हेल्थ के ऊपर ध्यान दीजिए, अपनी स्पिरिचुअल ग्रोथ के ऊपर ध्यान दीजिए. कभी भी अगर आपको इस कनेक्शन के चलते बहुत ज्यादा स्ट्रेस होने लगे, आप मेडिटेट करिए. अपने आप से पूछिए कि आपको इस कनेक्शन से क्या चाहिए, या ऑल टुगेदर आपको ये कनेक्शन चाहिए भी है या नहीं चाहिए. जिस तरीके का पार्टनर आपको चाहिए, क्या इस इंसान में वाकई में वो क्वालिटीज है या नहीं. मेडिटेट करने से ही आधे से ज्यादा आंसर्स आप लोगों को मिल जाएंगे. बट जहां तक इस इंसान और इस कनेक्शन की बात है, तो आपको डेफिनेटली अपनी तरफ से कोई एक्शन नहीं लेना है. अपनी सारी चिंताएं स्पिरिट के ऊपर छोड़ देनी है. ऑलराइट. तो अभी मेरे पास आपके लिए इतने ही मैसेजेस हैं. ये रीडिंग अच्छी लगी तो जरूर लाइक का बटन दबाइए, मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा. आपसे अगली बार मिलती हूँ. बाय.